हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें बात करते हैं हम रेशो के बारे में कि रेशो क्या होती है, उस रेशो की टाइप्स क्या होती हैं और उसके इनवर्स रेशो क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट रेशो। तो ये सारी की सारी टर्म्स इन रेशो के अंदर समझेंगे और रेशो का जो कंसेप्ट है उसका बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, साथ ही जो उसके क्वेश्चन करने हैं आपको एमसीक्यूज वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेशो होती क्या है, किसको हम रेशो बोलते हैं। रेशो इज ए कंपेरिजन ऑफ द साइजेज ऑफ टू और मोर क्वान्टिटी ऑफ द सेम काइंड बाई डिविजन। जब आप दो सेम चीज़ों को कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने के लिए हम रेशो का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि सेम चीज़ें होनी चाहिए, मतलब अगर आप कोई स्पीड ले रहे हो तो स्पीड आपके पास दोनों मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए या दोनों किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम काइंड की चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप उसको रेशो के थ्रू कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी उसमें ज़्यादा है और कौन सी उसमें कम है। If A and B are two quantities of the same kind, दो quantity आपके पास एक A है और एक B है, दोनों same quantity, same kind की quantity है, then the fraction A upon B is called the ratio of A to the B. तो अगर हम लिखते हैं ऐसे A upon B तो उसको बोलते हैं ratio of A to B. It is written as A ratio B, thus the ratio of A B is equals to, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं A by B या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं A ratio B तो वो दोनों बातें same है, दोनों ही ratio को लिखने का एक तरीका है, तो आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो, तो उसमें हम ए और बी लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी टर्म्स बोलते हैं। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म और कंसीक्वेंट। जब आप रेशो में ए और बी को लिखते हो तो जो पहले वाली टर्म होती है, जैसे हमने रेशो में लिखा इसको ए अपॉन बी, तो ये वाली जो टर्म होती है इसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट और जो बाद वाली टर्म होती है, जो सेकंड वाली टर्म होती है, इसको बोलते हैं हम कंसीक्वेंट। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने चाहिए, कई बार इन नामों के थ्रू ही आपको बताया जाता है कि एंटीसीडेंट में ये चेंज होंगे और कंसीक्वेंट में ये चेंजेस होंगे। बोथ टर्म ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस इन द लोएस्ट टर्म। जैसे मान लो आपने कोई रेशियो लिखी 2/3, आप इसको किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 2/3 और ये बनेगा 3/3, यानी आंसर है हमारे पास 6/9। तो 6/9 अगर आप लिखते हो या 2/3 लिखते हो, दोनों बातें एक ही हैं, रेशो दोनों की यहाँ पर सेम है, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं 2/3 लिखते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि इसको आप आगे काट नहीं सकते और आगे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होता है, मतलब आप 1 के अलावा किसी और नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन ए रेशो इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रेशो में लिख रहे हो ए अपॉन बी या आप रेशो में लिख रहे हो बी अपॉन ए, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही चीज़ है, कि आप दोनों को कंपेयर तो कर ही रहे हो, ए और बी को कंपेयर कर रहे हो, यहाँ भी ए बी को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आप ऑर्डर में किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो ये मैटर करता है, इससे आपका पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ए अपॉन बी और बी अपॉन ए ये दोनों बराबर नहीं होते, ये एक अलग टर्म होती है, ये एक अलग टर्म होती है। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिविजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट। जिन दो क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्पीड को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए या किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। अगर आप किसी लेंथ को कंपेयर कर रहे हो तो वो सारी लेंथ या तो मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए चाहे कुछ भी चीज़ हो, लेकिन उसकी यूनिट आपको सेम करनी है। अगर ऑलरेडी सेम दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो आप उसको सेम कर लेंगे, उसके बाद ही आप उसे कंपेयर कर पाएंगे। टू कंपेयर टू रेशोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। जब भी हम दो रेशो को कंपेयर करते हैं तो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कंपेयर कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको रेशो को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी रेशो बड़ी है और कौन सी रेशो छोटी है। जैसे मान लो अगर आपके पास है 2/3, ठीक है, और एक रेशो हमारे पास है 4/5, तो इन दोनों को हम लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसका, ये डिनोमिनेटर को आप सेम कर लो या न्यूमिनेटर को आप सेम कर लो, किसी भी एक चीज़ को आप सेम कर लो, या न्यूमिनेटर को या डिनोमिनेटर को। अगर आप डिनोमिनेटर को सेम करते हो तो उसको करने के लिए मान लो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 5 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया और इसको 3 से किया, तो आपके पास टर्म आएगी यहाँ पर 10/15, यहाँ पर आ गया 12/15। अब डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो ऊपर जो टर्म बड़ी होती है वही टर्म एक्चुअल में बड़ी हो जाएगी, यानी यहाँ पर 12 10 से बड़ा है तो ये वाली टर्म इससे बड़ी है।
अगर आप डिनोमिनेटर को ना करके न्यूमिनेटर को आप इक्वल करते हो, सपोज आपके पास था जैसे 2/3 और यहाँ था 4/5। अब इसको कंपेयर करने के लिए मान लो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये दोनों आप सेम हो जाए, तो यहाँ पर आ गया 4/6, यहाँ पर आ गया 4/5। जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को हम देखते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर में अगर टर्म बड़ी है तो एक्चुअल में उसकी ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ 6 और 5 में 6 बड़ा होता है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू इसकी छोटी होगी और इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो चाहे आप किसी भी तरीके से करो, जो बड़े वाला फ्रैक्शन है उसका साइन अपने आप समझ जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपको न्यूमिनेटर में देखना है, जो चीज़ बड़ी है उसकी एक्चुअल वैल्यू भी बड़ी है, जो छोटी आएगी न्यूमिनेटर में टर्म उसकी एक्चुअल वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, अगर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंट रखते हो, न्यूमिनेटर को सेम कर देते हो, तो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होगी एक्चुअल में उसकी ओवरऑल वैल्यू बड़ी आ जाएगी, और जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू छोटी आ जाएगी। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशो ए बी एंड सी डी इज दिस। ये कह रहा है कि ए बी और सी डी, इन दो रेशो को अगर हम कंपाउंड रेशो में लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं ए बी और सी डी, तो आप ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, बी को डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशो बन जाएगी ए सी अपॉन में बी डी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड रेशो। ए रेशो कंपाउंड ऑफ इटसेल्फ, अगर हम किसी रेशो को उसी के साथ ही कंपाउंड कर दें तो उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, ए अपॉन बी, जैसे हमारे पास रेशो मान लो ए अपॉन बी आ रही है, अगर मैं इसी को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं, ए अपॉन बी के साथ ही मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो, कि हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, जो टर्म थी वही टर्म हमने और मल्टीप्लाई कर दी, और अगर हम एक बार और मल्टीप्लाई कर दें इसमें, मान लो हम एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको बोल देते हैं हम ट्रिप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट में क्या करना है, जो टर्म ऑलरेडी आपको दे रखी है उसी टर्म को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, डुप्लीकेट बन जाएगा, और फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ट्रिप्लीकेट रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन के अंदर कि डुप्लीकेट रेशो क्या है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में ये 4/5 है, इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या है, तो आप सीधा इसका स्क्वायर कर दो 16/25, यानी इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसकी डुप्लीकेट रेशो आ जाएगी। फॉर एनी रेशो ए बी द इनवर्स रेशो इज बी ए, अगर कोई रेशो आपको दे रखी है ए बी और आपसे उसकी इनवर्स रेशो पूछी जाती है तो आप उसे उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे 2/3 है, इसकी इनवर्स रेशो पूछेंगे तो लिखेंगे 3/2 या 3:2। द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी। जैसे यहाँ पर हमने किया था डुप्लीकेट रेशो में क्या किया, हमने स्क्वायर कर दिया। अगर हम सब डुप्लीकेट रेशो की बात करेंगे तो हम उसी टर्म का जो हमारे पास ए अपॉन बी था ना, इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा रूट ए, ये रूट बी, और रूट को अगर आप पावर में लिखते हो तो ऐसे लिखेंगे ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, इसको हम बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशो। ऐसे अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है तो आप कर देंगे उसका क्यूब रूट। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट किया गया है, यहाँ पर क्यूब रूट करोगे, और क्यूब रूट करने पर जो रेशो आएगी आपकी ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 क्यूब रूट को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर वर्ड आपको ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट पूछा है या सब डुप्लीकेट पूछा है, ट्रिप्लीकेट पूछा है या सब ट्रिप्लीकेट पूछा है। डुप्लीकेट में स्क्वायर कर देंगे, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट कर देंगे, ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर देंगे, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट कर देंगे। तो ये वर्ड्स का बस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, कहता है कंटिन्यूड रेशो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 or more क्वांटिटी, यानी 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी अगर होती है तो उनके बीच में अगर आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है, कंटिन्यूड रेशोज निकालनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कहता है कि भाई 3 सिमिलर क्वांटिटी आपके पास ए बी सी, इसकी कंटिन्यू रेशो क्या होगी, तो कंटिन्यू रेशो का मतलब है सिंपली आप लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी, ये इसकी कंटिन्यूड रेशो आ जाएगी। इफ द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज ए बी, जो पहली और दूसरी क्वांटिटी है उसकी रेशो है हमारे पास ए बी, एंड रेशो बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड की जो रेशो है वो है सी और डी, यहाँ पर ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, यहाँ पर ये सेकेंड है ये थर्ड है, देन द रेशो अमंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वांटिटी इज गिवन बाय। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को कंबाइन करना है। अब तीनों को कंबाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहली जो रेशो आएगी आपकी आ जाएगी ए सी, फिर दूसरी रेशो आ जाएगी आपकी बी सी, और तीसरी रेशो आ जाएगी आपकी बी डी। इस तरह से आप तीनों की रेशो निकाल देंगे।
ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ कि भाई पहली जो दो टर्म है उसकी रेशियो है 2:3, अगली जो दो टर्म है, पहली जो दो टर्म है उसकी रेशियो 2:3 आ गई, और दूसरी और तीसरी की जो रेशियो है वो आ गई आपके पास 4/5। तो अब मेरे को पहली दूसरी और तीसरी इन तीनों की रेशियो इकट्ठे लिखनी है। तो क्या करेंगे हम, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 × 4, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, 12 एंड 15। ये रेशो ए की हो गई, ये बी की हो गई और ये सी की हो गई। तो इस तरीके से आपको तीनों की इकट्ठी रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक तरीका और होता है कि तीनों की रेशो अगर आपको इकट्ठी निकालनी है तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर ये सेकंड टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये दोनों सेकंड टर्म ही है ना, ठीक है, इन दोनों को सेम कर दो। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो। अब इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 से करोगे तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। तो मतलब 2 × 4 और 3 × 4, ऐसे कर दिया। यहाँ पर कर देंगे हम 3 से 4 × 3 और 5 × 3, तो यहाँ से आ गया 8, 12 और 15। अगर आप तीनों को अलग अलग करके लिखोगे 8, 12 दोनों की कॉमन आ गई है और यहाँ पर आ गई 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कन्वीनियंट लगे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पर कहता है द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज ए बी। पहली जो दो क्वांटिटी है उसकी रेशो है ए बी, एंड द रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज सी डी, ये सेकंड और थर्ड की हो गई, एंड थर्ड और फोर्थ की रेशो आ गई ई एफ, यानी चार क्वांटिटी हो गई ए बी सी डी, ठीक है। अब उन चारों क्वांटिटी की रेशो अगर आपको निकालनी है इकट्ठी, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे ए सी ई, यानी इन ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहली रेशो बनेगी ए सी ई, ठीक है। अब दूसरी रेशो जब निकालेंगे, अब ये ऊपर वाले को छोड़ दो, इसका काम हो गया हमारा खत्म हो। अब करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई बी सी ई, ठीक है। अब बी को हमने इन दोनों से कर दिया, अब बी को नीचे लेकर आ जाओ बी डी एफ, बी डी ई, उसके बाद बी डी एफ। अब इसको हम छोड़ेंगे फिर तो दो ही टर्म रह जाएंगी, तो तीन टर्म हमारी होनी चाहिए। तो तीन टर्म बारी बारी से आपको लेनी है, पहले ए सी ई ऐसे लेना है, फिर उसके बाद बी सी ई, बी डी ई और फिर बी डी एफ। तो अगर आपके पास तीन टर्म ऐसे दे रखी है रेशो, मान लो 2:3 है, 3:4 है और 4:5 है, तो हम पहली रेशो कैसे निकालेंगे, 2 × 3 × 4। दूसरी रेशो कैसे आएगी, 3 × 3 × 4। तीसरी क्या आएगी, 3 × 4 × 4 और लास्ट में आएगा 3 × 4 × 5। अब यहां से 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 9 × 4 = 36, 16 × 3 = 48 और यहाँ पर आ गया 60। आगे इसमें 12 कॉमन निकल रहा है, तो 12 कॉमन निकाल सकते हैं, तो रेशो आ जाएगी 2, 3, 4 एंड 5। अब ये आंसर 2, 3, 4, 5 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो इसलिए 2, 3, 4, 5 ही आ रही है। अगर कुछ डिफरेंट होती तो फिर यहाँ पर ये वैल्यूज डिफरेंट ही आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इफ़ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीजेज इन द रेशो ए बी, अगर किसी क्वांटिटी में हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू बी ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी बाय ए। तो जो नई वाली क्वांटिटी आएगी वो किसके बराबर होगी, बी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि रौनक का जो वेट है 56.7 केजी है, इफ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशो 7:6, अब वो अपने वेट को 7:6 की रेशो में रिड्यूस करता है, तो फाइंड इज न्यू वेट, तो उसका न्यू वेट क्या होगा। तो न्यू वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो ओरिजिनल वेट है वो कितना है, 56.7, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है न्यू वेट, यानी न्यू क्वांटिटी निकालनी है, तो न्यू वेट निकालना है। तो न्यू वेट के लिए क्या करना है आपको, बी ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 56.7, इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, बी मतलब जो रेशो में आपको दे रखा है नीचे 6 एंड डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से इसको आप कैंसिल करेंगे, 7 × 56, 7 × 7, 6 × 6, 6 × 48, तो ये आ गया 48.6,
यानी जो रौनक का नया वाला वेट था जो उसने लूज किया वो आ गया 48.6 केजी। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने का एक तरीका और भी हो गया कि जैसे हमारे पास पहले उसका वेट था 56.7, अब उसका न्यू वेट आपको निकालना है उसको एक्स मान लो। पहले इसकी जो वेट की रेशियो थी वो 7 थी, अब 6 है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। तो यही चीज़ आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 48.6 ही आ जाएगा। तो फिर जैसे आप कन्वीनियंट फील करते हैं उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके जितने हो सकता है पॉसिबल वो आने चाहिए और फिर आप उसमें से देखो कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, उस मेथड को आप यूज़ करके आंसर निकाल दो। तो यही सारा बेसिक कंसेप्ट था इसमें। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज 1A, अब यहाँ देखो पहली जो क्वेश्चन है उसमें कहता है इनवर्स रेशियो ऑफ 1115। इनवर्स रेशियो में हम क्या करते थे, रेशियो को उल्टा कर देते थे। 1115 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1511, तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा ए 1511। इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज 3:4, इफ द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या कौन सा होता है ऊपर वाला, वो अगर 15 हो जाए तो कंसिक्वेंट क्या होगा। तो देखो एंटीसीडेंट हमारे पास था अभी 3, ये एंटीसीडेंट जो था हमारे पास वो 3 था। 3 को कह रहा है कि 15 कर दिया, 15 कर दिया मतलब हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 5 जा कितना हो गया 20। तो कंसिक्वेंट जो है ये बन जाएगा 20। तो इस तरीके से आप फटाफट शॉर्ट तरीके से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी इज 5:7, जो क्वांटिटीज आपको दे रखी है उनकी रेशियो 5:7 है। इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, अगर उसकी इनवर्स रेशियो हम निकालें और उसका कंसिक्वेंट 5 है, मान लो ये हमारे पास रेशियो है इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो कंसिक्वेंट है इसका वो अगर 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा, तो ये अगर 5 है तो ये 7 होगा, तो यानी आंसर आ जाएगा हमारा 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो कंपाउंड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, उसमें से इनकी जो कंपाउंडिंग रेशियो है वो क्या आएगी। अब कंपाउंड रेशियो जब आप इसकी निकालोगे 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए जो ऊपर वाली टर्म्स है वो सारी मल्टीप्लाई कर दो आप 2, 9, 5, 8 और नीचे 3, 4, 6, 10, यहाँ से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल और 3 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो रेशो आ गया आपके पास 1:1। तो 4th का आंसर आ गया आपके पास ए। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो में क्या करते थे हम, टर्म का सीधा स्क्वायर कर देना है। तो डुप्लीकेट रेशो आप निकालोगे 3:4 की, 3:4 की डुप्लीकेट रेशो हो जाएगी 9:16, ठीक है, स्क्वायर करना है। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट में क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का होता है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। 5th का आंसर आ गया सी और 6th का आंसर आ गया डी। 7th में कहता है कि ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट में आपको करना होता है क्यूब, तो क्यूब करोगे 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया ए। सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट कर देना है, तो उल्टा क्वेश्चन हो गया ये, 8 का क्यूब रूट करोगे 2 आ जाएगा, 27 का करोगे 3 आएगा, इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। 7th का ए आ गया और 8th का सी आ गया। अब चलते हैं हम 9th पर। 9th में कहता है द रेशो कंपाउंड ऑफ, द रेशो कंपाउंड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो आपको कंपाउंड रेशियो निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक तो 4:9 की निकालनी है और दूसरी रेशियो कौन सी है, इसकी डुप्लीकेट रेशियो की निकालनी है। यानी पहले आपको इसका डुप्लीकेट फाइंड करना है, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा 9/16। अब इन दोनों की कंपाउंड रेशियो निकालनी है, तो कंपाउंड रेशियो निकालनी है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 से 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका 1:4। द रेशो कंपाउंड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 एंड 9:7। अब आपको इनकी कंपाउंड रेशो निकालनी है, किस किस की निकालनी है, देखो 4 रेशो दे रखी है, कह रहा रेशो कंपाउंड ऑफ 4:9 ले लिया इनटू डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट निकालोगे
916 इनटू ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, इसका ट्रिप्लीकेट करेंगे तो 8 अपॉन 27 एंड 97, इसका आपको कंपाउंड रेशियो निकाल देनी है। तो देखो 9 से 9 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो आ गया 2:21। तो इसमें आंसर बन गया आपका 10th का सी। क्वेश्चन नंबर 11th, क्या कहता है, द रेशियो कंपाउंड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, यानी डुप्लीकेट रेशियो 4:5, डुप्लीकेट मतलब वही स्क्वायर करना है आपको, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, 1:3 का ट्रिप्लीकेट करेंगे 127, सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट कर दो, 81 का स्क्वायर रूट 9, 256 का 16, एंड सब ट्रिप्लीकेट मतलब इसका क्यूब रूट कर दो, 125 का क्यूब रूट 5 और 512 का 8। अब इन सब की कंपाउंड रेशो आपसे पूछी है, तो अब निकालो इसको, 16 से 16 कैंसिल कर दो, 9 से ये कैंसिल करो, 5 से ये कैंसिल करो, ऊपर रह गया 1, 5 3 15, 15 8 120, तो विफ 1 अपॉन 120 तो ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन बनना चाहिए इसका डी, 11th का डी, यस यही हमारा आंसर है। इफ ए बी 3:4 एंड द वैल्यू ऑफ दिस, ए बी की जो रेशियो है वो 3:4 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ए की जगह पर आपको 3 पुट कर देना है और बी की जगह पर आपको 4 पुट कर देना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐसे यहाँ पर ए की जगह पर आपको 3 पुट कर देना है, बी की जगह पर आपको 4 पुट कर देना है। एक्चुअली में ये रेशो है, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, जैसे अगर हम रेशो को लेते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे भाई ए की वैल्यू हो गई 3 के, बी की वैल्यू हो गई 4 के, लेकिन जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर डालोगे 3 के 4 के, तो के कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी वो आपस में कट जाएगा, तो जब कॉमन निकल के कट ही जाना है तो उसको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आ गया 6+12, जैसे आ गया 9+16, तो 18/25, यानी ऑप्शन बन गया इसमें डी, 12th का ऑप्शन आ गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5। हमारे पास जो नंबर है वो 2 और 3 की रेशो में है, अब उसमें से अगर हम दोनों नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो पहला नंबर है वो मान लेते हैं 2 के, दूसरा नंबर है वो मान लेते हैं 3 के, अब इसमें से हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से भी और इसमें से भी, तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो 3 और 5 आएगी, तो वो नंबर क्या है, ठीक है। अब ये नंबर आपको निकालना है, अब यहाँ पर आप या तो ऐसे सॉल्व करो या आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 2 10, 5 4 20, 3 3 9, 3 4 12, इसको आप इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, के की वैल्यू आ जाएगी 8, के की वैल्यू 8 आ गई तो पहला नंबर आ जाएगा 8 2 16, दूसरा आ जाएगा 8 3 24, ये हमारा आंसर बनेगा। तो अब या तो आप ऐसे कर सकते थे या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, आपने कहा कि भाई नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों में से, तो 4 अगर सब्ट्रैक्ट आप करोगे, जैसे इसमें से 16 में से 4 के 12, 24 में से 4 के 20, काट के से देख लो, रेशो आ गया आपकी 3 और 5, वही हमें चाहिए थी, वही हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इनसे चेक करते तो इनसे वो बनेगा ही नहीं, 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस में टर्म्स आएगी, हालांकि माइनस माइनस कट जाएगा लेकिन रेशो 3:5 फिर भी नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में, 14th क्वेश्चन में कहता है कि द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:7:11, तो एंगल क्या है, अब यहाँ पर भी जो रेशो आप देखोगे एंगल की 2:7 और 11 किस किस की आ सकती है, एक तो तीन ट्राइंगल के एंगल है, तीनों का सम 180 होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये, तो देखो रेशो यहाँ से 3:7:8 आ रही है ये नहीं आएगी, 2:7:9 आ रही है यहाँ से भी नहीं आएगी, यहाँ पर देखो तो 3 से 9 से अगर काटें 9 × 2 = 18, 9 × 7 = 63 और 11 × 99, 2:7 और 11 की रेशो आ रही है, लेकिन साथ साथ ये भी चेक कर लेना है कि इसका जो सम है वो 180 के बराबर आता है या नहीं आता, तो 9 और 3 = 12 और 8 = 20, बचे 2, 9 और 2 = 11, 6 = 17 और 1 = 18, तो सम भी इसका 180 आ रहा है, रेशो भी इसकी बराबर आ रही है,
तो यही हमारा आंसर है. डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशो 11:7, एक्स एंड वाई वुड गेट रुपीज. तो एक्स और वाई को कितना कितना पैसा मिलेगा अगर रेशो 11:7 होती है. तो यहाँ पर भी आप यही अप्रोच यूज करो कि 324 टोटल होना चाहिए. तो 324 टोटल देखो, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी टोटल 324 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो रेशो 11:7 किसकी है? तो ये निकालने के लिए अगर आप रेशो यहाँ पर निकालोगे, 4 से अगर मैं इसको काट दूँ, 4 × 5 = 20, 4 और 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20. अगर हम इसको और काटें, और तो ये कटेगा ही नहीं, ये 17 और 3 से कटेगा, ये उससे कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है. यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 50 आएगा, यहाँ से भी 11:7 की रेशो नहीं आएगी. यहाँ से अगर 4 से करें, 4 × 16, 4 × 5 = 20, और यहाँ पर करें 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24, तो यहाँ से भी रेशो हमारे पास 11:7 नहीं आ रही. तो रेशो जब 11:7 यहाँ से आ ही नहीं रही, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर हमारा ऑप्शन होना चाहिए डी. तो 15 का आंसर बन रहा हमारा डी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आनंद अर्न रुपीज 80 इन 7 आवर्स. आनंद ने 80 रुपये कमाए 7 घंटे में कमाए, और इसने 90 रुपीज कमाए 12 घंटे में कमाए, तो उनके अर्निंग की रेशो क्या है? अब अर्निंग की रेशो अगर आपको करनी है तो सेम क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, यानी आपको पर आर की इनकी अर्निंग निकालनी पड़ेगी. अब पर आर की अर्निंग अगर हम इसकी निकालेंगे तो ये 80 रुपये कमाता है 7 घंटे में, तो 1 घंटे में हो गए 80/7, ठीक है. और दूसरे वाला कमाता है 90/12, 12 घंटे में 90 रुपये, तो 1 घंटे में 90/12. तो आप इसको कैंसिल करो, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 8 = 32, और 3 इधर आ जाएगा, 3 × 7 = 21. ऑप्शन बनेगा आपका ए. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज दिस. दो नंबर की रेशो ये है और उनका जो डिफरेंस है वो 105 है, तो वो नंबर क्या है? तो डिफरेंस 105 होना चाहिए एक तो इन सब का, है क्या? देखो इसका डिफरेंस 105 आ रहा है, इसमें से देखो माइनस करेंगे 10 में से 5 5, यहाँ से भी 105 आ रहा है, और यहाँ से अगर आप निकालोगे 10 में से 5, यहाँ से भी डिफरेंस तो तीनों से 105 ही आ रहा है. तो अब इनकी रेशो देखो कि 7 और 10 कहाँ पर आ रही है. तो यहाँ पर अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 × 20, 5 × 6 = 30 और 5, यहाँ से तो 7 और 10 आ नहीं सकते. यहाँ से 5 से काटते हैं इसे, 5 × 3 = 15, फिर आपके पास बचेगा 3, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40. यहाँ से भी नहीं आएगी. यहाँ से देखो 5 × 20 और 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35. 7 से और इसे काटेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, तो रेशो हमारी यही चाहिए. ऑप्शन बनेगा इसका 17th का सी. क्वेश्चन नंबर 18 देखो. 18 में कहता है कि पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज. 3 सिटीज हैं पी क्यू और आर. द रेशो ऑफ द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12. पी और क्यू के बीच में जो टेम्परेचर है वो 11:12 है, और पी और आर के बीच में जो टेम्परेचर है वो 9:8 है. द रेशो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर. तो क्यू और आर के बीच में कितना एवरेज टेम्परेचर होगा? तो आप क्या करो, आपको क्यू और आर की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्यू अपॉन पी इंटू में पी अपॉन आर. इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकते हैं. अब क्यू अपॉन पी की वैल्यू आपको दे रखी है, वहां से उल्टा कर ले लो, आप क्यू अपॉन पी ले लो, यानी 12:11. तो ये 12:11 आ गया और पी आर हो गया आपके पास 9:8. इसको आप सॉल्व करो, 4 × 8, 4 × 3 = 12, तो ये आ जाएगा 27, और 4 × 8, 4 × 3 = 12, ये यहाँ आ गया 22. अब हमें रेशो किसकी चाहिए थी? क्यू और आर की. तो हम क्यू और आर की निकाल रहे हैं, 27 = 22, यानी 18 का ऑप्शन बनेगा हमारा बी. 19 में देखो, एक्स वाई आपको ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है. तो यहाँ पर आपके पास जो रेशो है ऊपर है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और नीचे आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई. अब एक्स स्क्वायर वाई में से अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल देते हो एक्स वाई, तो ऊपर रहेगा आपके पास एक्स प्लस वाई. नीचे आप क्यूब का फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल. अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह आप पुट करो 4,
वाई की जगह कर दो थ्री, नीचे एक्स स्क्वायर मतलब 16, 4 3 12 प्लस वाई का स्क्वायर यानी 9, ऊपर आ गया 12, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 12 4 प्लस 9 13, तो रेशो आएगी आपके पास 12:13। अब यहाँ पर भी वैल्यू डाल के यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, सीधा x की जगह 3 डाल दो, y की जगह 4 डाल दो, इसको सॉल्व कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें कहता है कि पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास पी क्यू के बराबर होगा। तो पी माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, दोनों का अलग अलग कर दो या दोनों का इकट्ठा ही कर दो, तो ये पी क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट को हटाओ, यहाँ पर आप स्क्वेयरिंग करोगे दोनों साइड तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, इसको आप इस साइड ले आओ तो ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव इधर हमारे पास ये है, इधर से ये हो गया पी स्क्वायर क्यू और इसको इधर लाएंगे तो माइनस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच गया, यहाँ से पी क्यू कॉमन निकाल दो, पी माइनस क्यू आ गया, यहाँ से आ गया आपके पास पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू फैक्टर करने के बाद, और यहाँ पर आ गया आपके पास ये, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन गई पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू। तो 20th का ऑप्शन बना हमारा सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है कि दिस इज़ द डुप्लीकेट रेशो। अब पिछले में डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट थी, यहाँ पर डुप्लीकेट रेशो है। तो डुप्लीकेट में क्या होता है, इसका और इसका दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2s माइनस पी और 3t माइनस पी, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये 2s अपॉन 3t के बराबर होगा। यहाँ से अब आपको P की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, या फिर नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। अब यहाँ से P की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप इसका स्क्वायर करो, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्वायर रूट करो, दो ही तरीके हमारे पास हैं P की वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ से खाली P हमारे पास रह जाएगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2s माइनस पी और 3t माइनस पी, लेकिन यहाँ भी हमारा फिर ये रूट में आ जाएगा, रूट टू और रूट एस, रूट थ्री और रूट टी। अब पी की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेकर आओ, तो टू एस को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा टू एस और रूट थ्री टी माइनस पी इंटू रूट थ्री टी इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टी रूट टू एस माइनस पी रूट टू एस। अब पी वाली टर्म्स आप एक तरफ इकट्ठा करो, ठीक है, इसको आप उधर ले आओ तो उधर से रूट टू एस और इधर से माइनस रूट थ्री टी, पी दोनों के अंदर आ रहा है, इसको कॉमन निकाल देना और ये इधर आ जाएगा थ्री टी माइनस टू एस रूट थ्री टी। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से देखो, यहाँ से 2s रूट में है, यहाँ से 3t रूट में है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो 2s रूट का कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से रूट 2s कॉमन आ जाएगा और उसके अलावा रूट 3t भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, रूट टू एस आपने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से रूट थ्री टी निकाल दिया तो रूट थ्री टी बचा और यहाँ से रूट टू एस। तो ये वाली दोनों टर्म सेम आ रही हैं, बस माइनस साइन का फर्क है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको ऐसे लिख दूँ, रूट थ्री टी माइनस रूट टू एस इन टू पी इक्वल्स टू, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं रूट सिक्स एस टी। ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है, अगर आप पी का स्क्वायर करते हो, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा इसमें ए।
यहां कहता है पी क्यू की रेशो है 2:3, एक्स वाई की रेशो 4:5, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है? पी क्यू की रेशो है 2:3, एक्स वाई की रेशो है 4:5। तो यहां पर देखो ऊपर 5px, तो p की जगह आप सीधा ये डाल दो, 2 डाल दो, और x की जगह आप डाल दो 4, प्लस 3qy, q की जगह 3 और y की जगह 5, क्योंकि यहां पर px यूज हो रहा है, यहां पर qy यूज हो रहा है, और यहां पर भी px qy यूज हो रहा है, तो यहां से सीधा आप जो वैल्यू है ना, और जो रेशो यहां पर दे रखी है, वो सीधा वैल्यू पुट कर दो। ऐसे आप यहां पर करो 10px, x की जगह 4, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, qy, q की जगह 3 और y की जगह 5, यहाँ पर सॉल्व कर दो, 5 दुनी 10 और चौक 40 और 3 3 9 पंजे 45, यहाँ पर 4 2 8 आ जाएगा, 4 3 12 पंजे 60, तो ऊपर आ गया 85, नीचे आ गया 140, 5 से ऐसे काटोगे 17 upon 28, यानी 22 का ऑप्शन बनेगा सी। उसके बाद चलते हैं 23 पर, तो 23 जो ऑप्शन है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो दिस रिड्यूसिंग इट 1/4, इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसको इनमें से माइनस करो तो रेशो 1/4 आ जाए। तो यहाँ सॉल्व वोल्व करने के बजाय आप नंबर्स को यूज करो, अगर 15 को माइनस करते 19 में से तो ऊपर 4 बचेगा, और 31 में से 15 माइनस करते हैं तो 16 बचेगा, काटने के बाद 1/4 आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 4:5, ये डेली अर्निंग हो गई, तो एक की अर्निंग ले लेते हैं 4x, दूसरे की ले लेते हैं 5x, एंड देयर डेली एक्सपेंस आर इन द रेशो 7:9, और उनके जो खर्चे हैं वो 7 और 9 की रेशो में हैं, तो ईच सेव रुपीज 50 पर डे, अरे हर एक अपने अर्निंग में से 50 रुपये बचाता है, तो इसकी अर्निंग देखो 4x है, इसकी अर्निंग 4x है, और इसकी अर्निंग 5x है, ये भी 50 रुपये सेव कर रहा है, ये भी 50 रुपये सेव कर रहा है, और सेव करने के बाद जो उनका एक्सपेंडिचर आएगा उसकी रेशो दे रखी है 7 और 9। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, 9 4 36, 9 5 45, 7 5 35, और 7 5 35, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो गया, यानी 100 आ गया। अब यहाँ पर जो सेविंग थी इसकी 4x, मतलब ये 400 आ जाएगी और ये 500 आ जाएगी, आंसर बनेगा सी। ट्वेंटी फिफ्थ में कहता है द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन इज 7:8, दो ट्रेन है उन दोनों की स्पीड की रेशो है 7 और 8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी स्पीड कितनी बन गई, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में, यानी 80 इसकी स्पीड बन गई, किसकी, दूसरी वाली ट्रेन की, और यहाँ जो रेशो आपको दे रखी है इसकी 80 हो गई, तो इसकी क्या होगी, तो यहाँ से कैंसिल करोगे, यहाँ जाएगा 70, तो इसकी जो रेशो है स्पीड आएगी वो आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर, ये 25 का हमारा आंसर बन जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ जो इसकी एक्सरसाइज थी वो हमने कर लिया फिनिश, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये किस किस तरह से ये क्वेश्चन सारे हमें करने हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।